भवता शिव स्वरूप शिव कार नमो त्रियो विष्णु। चौथी ढाल पर अपनी चर्चा चल रही है, पेज नंबर 97। चौथी ढाल में किसका वर्णन है? चौथी ढाल में किसका वर्णन है? सम्यक ज्ञान का वर्णन। सम्यक ज्ञान का ही वर्णन है कि और भी किसी चीज का वर्णन? एक देश सम्यक चारित्र का, एक देश चारित्र का और सम्यक ज्ञान का, इन दो बातों का वर्णन। अथवा यूं कहें तो श्रावक के चारित्र और सम्यक ज्ञान का वर्णन चौथी ढाल में किया है। सम्यक दर्शन का वर्णन तीसरी ढाल में कर चुके हैं। चौथी ढाल की प्रारंभ से सम्यक ज्ञान की चर्चा चालू की, क्योंकि सम्यक दर्शन के साथ ही सम्यक ज्ञान होता है। सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान एक साथ होते हैं, परंतु फिर भी उन दोनों की आराधना भिन्न भिन्न की जाती है, क्योंकि वे दोनों एक ही वस्तु नहीं है, दो अलग अलग वस्तुएं हैं। सम्यक दर्शन अलग है और सम्यक ज्ञान अलग है। सम्यक दर्शन तो पूरा एक साथ निर्मल हो जाता है, परंतु सम्यक ज्ञान क्रमशः पूरा होता है। सम्यक दर्शन कौन से स्थान में पूरा हो सकता है? चौथे में, चौथे में छाई सम्यक दर्शन हो सकता है। और सम्यक ज्ञान की पूर्णता कहाँ होती है? जब जीव अनंत बनता है, तेरहवें गुणस्थान। तो सम्यक ज्ञान अलग है, इसलिए सम्यक ज्ञान प्रकट हुआ है लेकिन सम्यक ज्ञान पूर्ण नहीं हुआ है। केवल ज्ञान जब होगा तब पूर्ण कहलाएगा। सम्यक दर्शन के साथ सम्यक ज्ञान है, परंतु दोनों भिन्न भिन्न आराधना योग है। एक का लक्षण श्रद्धा है और एक का लक्षण ज्ञान है, जानना है। इस प्रकार से उन दोनों में भेद है और ऐसा भेद जानकर उन दोनों की भिन्न भिन्न आराधना करनी चाहिए। मैंने सम्यक ज्ञान की भी आराधना, सम्यक ज्ञान का भी उपासना करनी चाहिए, सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने का अभ्यास करना चाहिए और सम्यक दर्शन की प्राप्ति का भी पुरुषार्थ करना चाहिए। फिर आगे कहा था कि सम्यक दर्शन और सम्यक ज्ञान इन दोनों में कारण कार्य का संबंध है। कैसा संबंध है? कारण कार्य। सम्यक दर्शन वो कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य। यद्यपि एक दोनों एक साथ होते हैं तो भी इन दोनों में कारण कार्य है। किस प्रकार? जैसे कि दीपक और प्रकाश, यद्यपि एक साथ होते हैं कि तो भी दीपक कारण है और प्रकाश कार्य है। ठीक उसी प्रकार सम्यक दर्शन कारण है और सम्यक ज्ञान कार्य। फिर उस सम्यक ज्ञान के भेद चालू किए थे अपन ने, तो सम्यक ज्ञान की उसे एक परिभाषा भी थी। सम्यक ज्ञान किसे कहते हैं? तो जो स्वर पर समस्त पदार्थों को जैसा का तैसा बताता है, जैसा है वैसा बताए तो सम्यक ज्ञान, और जैसा है वैसा न बताए वो मिथ्या। तो सम्यक ज्ञान कहते उसको जो स्वर पर को यथार्थ बने प्रकाशित करता है, जैसा का तैसा बताता है। इसकी उपमा दी है सम्यक ज्ञान, इसकी उपमा दी है सूर्य के समान। जैसे सूर्य पदार्थों को ज्यों का त्यों बताता है, ठीक उसी प्रकार सम्यक ज्ञानी पदार्थों को ज्यों का त्यों प्रकाशित करता है। आगे फिर सम्यक ज्ञान के दो भेद किए, तास भेद दो है। कौन कौन से दो भेद है सम्यक ज्ञान के? परोक्ष और प्रत्यक्ष। परोक्ष सम्यक ज्ञान कौन कौन से? प्रतिशुद्ध दो है परोक्ष। परोक्ष क्यों कहा जाता है इसे? क्योंकि इंद्रिय और मन की सहायता से होता है। इंद्रिय और मन पर है कि आत्मा है? पर है, पर के निमित्त से होता है, इसलिए ये परोक्ष कहा जाता है। मति शुद्ध दो है परोक्ष, अक्ष मनते उपजाई। मति और शुद्ध ये दोनों परोक्ष है, तो इंद्रिय और मन के निमित्त से उत्पन्न होते हैं। मति ज्ञान की तो परिभाषा यही है। क्या है मति ज्ञान की परिभाषा? पांच इंद्रिय और मन के निमित्त से ज्ञान होता है मति ज्ञान। शुद्ध ज्ञान, मति ज्ञान से जाने हुए पदार्थ से किसी अन्य पदार्थ को जानना
चक्षु ज्ञान, उसमें भी इंद्रिय बुद्धि की आवश्यकता है, इसलिए दोनों परोक्ष है। और प्रत्यक्ष है, फिर प्रत्यक्ष ज्ञान कौन कौन से है, अवधि मन परजय दो है, देश प्रत्यक्ष, ये दोनों एक देश प्रत्यक्ष है। क्यों है एक देश प्रत्यक्ष, सीमा है, इसलिए एक देश है। प्रत्यक्ष क्यों है, इंद्रिय मन की सहायता के बिना, तो इंद्रिय मन की सहायता के बिना कैसे जानेगा, आत्मा के प्रदेशों से सीधे जानता है बिना इंद्रिय मन की सहायता, सीधा आत्मा के प्रदेशों में, आत्मा द्वारा सीधा जानता है, कोई बीच में किसी उसको साधन की, किसी सहायता की आवश्यकता नहीं, किसी की अपेक्षा नहीं, सीधे जानता है आत्मा से, इसलिए क्या है प्रत्यक्ष। अब देखो इसके आगे चलते हैं, फिर दोहा निगमन निकालो, चार सकल द्रव मिला, पेज नंबर 97, दोहा नंबर चार, सकल द्रव्य के गुण अनंत पर जाए अनंता, जाने के काल प्रकृति ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, परमावृत जन्म जरा प्रतिरोग निवारण। सकल द्रव्य के गुण अनंत, इस संसार में द्रव्य कितने हैं, छह ही है, देखो एक दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ तो ये बेटे हैं, छह कहाँ से, जाति अपेक्षा से, संख्या अपेक्षा अनंत। जीव द्रव्य कितने हैं, अनंत, उद्गल उससे भी अनंत गुण, अनंत अनंत, धर्म अधर्म आकाश काल असंख्या, इतने द्रव्य है, और एक एक द्रव्य में गुण कितने हैं, अनंत, एक गुण की पर्याय कितनी है, कितनी है, तीन काल के समय जितनी उनकी पर्याय, एक समय की एक पर्याय, और तीनों काल में उसकी पर्याय होती है, जितने तीन काल के समय है उतनी उसकी पर्याय है, समझ में आई बात, एक एक गुण की पर्याय कितनी, जितने समय है, तीन काल के समय कितने हैं, वर्तमान समय कितना बड़ा, एक समय का, भूतकाल अनंत काल, भूतकाल अनंत समय, और भविष्य काल अनंत समय का, भूत बड़ा है कि भविष्य, कि दोनों बराबर है, आप क्योंकि दोनों बराबर है ना, जैसे कि होगी आप दोनों बराबर है तभी गलत हो जाओ, क्योंकि जैसे ही आपने कहा दोनों बराबर है तो थोड़ा बहुत भविष्य भूत में मिल गया तो भूत बड़ा हो गया, इसलिए ये आंसर तो खारिज, दोनों में से कौन बड़ा है, हैं? पता नहीं आ रहा था, तो क्या हुआ, बड़ा नहीं हो सकता भाई, क्यों भूत बड़ा है कि भविष्य बड़ा है, भूतकाल से भविष्य काल अनंत गुना बड़ा, अनंत गुना है और अनंत गुना ही रहेगा, कभी ऐसा नहीं होएगा कि भूतकाल बढ़ जाए और भविष्य काल कम, अनंत काल तक यही क्रम रहेगा, यदि भूतकाल से भविष्य काल कम हो तो खत्म, इतना बीत गया उतना और बीत जाएगा, फिर उसकी आदि नहीं ऐसे तो होगी, लेकिन फिर भी भूतकाल से भविष्य काल अनंत गुना कहा गया है शास्त्र, और अनंत गुना ही रहेगा, भूतकाल के भी समय अनंत है, भविष्य के भी अनंत है, दोनों के अनंत अनंत, तो ये तो बात तो ये कि एक द्रव के गुण अनंत, एक गुण की तीन काल की पर्याय अनंत, उन सबको जाने एक एक काल
हम सबको एक काल में जानता है कौन और कैसे जानता, प्रकट हाथ पर रखे हुए आंवले की तरह, हाथ पर रखा हुआ आंवला दिखता है कि दिखता है स्पष्ट, वो भी बहुत स्थूल उदाहरण है, उससे भी कई गुना अधिक स्पष्ट, अनंत गुना स्पष्ट भगवान जिनेन्द्र को सारे द्रव्य, एक एक द्रव्य के अनंत गुण और एक एक गुणों के अनंत पर्याय, उन्हें सब कुछ स्पष्ट प्रतिभासता है। और कितने एक काल जाने, एक एक काल प्रकट सामने के सामने, केवली भगवत्ता, केवली भगवान जानते हैं, कितना सुख होगा। एक रसगुल्ले का सुख है तो अनंत रसगुल्ले का सुख कितना है। यदि ज्ञान में सुख है, सुख तो ज्ञान का ही, जो भी ज्ञान का, और काय का सुख है, अपने इंद्रिय विषय भोगा, ज्ञान ज्ञान किया और क्या किया, ज्ञान के अलावा तो कुछ किया नहीं, कुछ और किया, खाया खाया ही ज्ञान किया, ज्ञान किया, सूंघा ज्ञान किया, देखा ज्ञान किया, सुना ज्ञान किया, कितने कितने से ज्ञान में अपन अटक रहे हैं। और कह रहे हैं कि भोगना हो तो इन अनंतों को एक साथ भोगने की सामर्थ्य है, ऐसा ज्ञान का भोग है, अनंत को जानता है एक साथ समस्त द्रव्य, कोई द्रव्य ऐसा नहीं जो उनके ज्ञान में न जले, कोई द्रव्य के गुण ऐसे नहीं जो ज्ञान में न जले, उन गुणों की कोई ऐसी पर्याय नहीं जो उन ज्ञान में नहीं जले, माने अनंत तो द्रव्य, एक एक द्रव्य के अनंत गुण और एक एक गुण के अनंत पर्याय, इन सबको एक साथ केवली भगवान प्रकट जानते हैं, प्रत्यक्ष जानते हैं। इतना अद्भुत ज्ञान होगा, तीन लोक तीन काल की सभी बातों को एक साथ एक समय में जानते हैं सर्वज्ञ देव, यह सम्यक ज्ञान की पूर्णता। बाकी सब सम्यक ज्ञान एक देश है, मति श्रुत अवधि मना प्रयोग सब एक देश है, केवल ज्ञान संपूर्ण प्रकट है, पूर्ण देश सकल देश है। सम्यक ज्ञान की पूर्णता केवल ज्ञान में है, बाकी सब सम्यक ज्ञान के एक देश है, एक देश सम्यक ज्ञान है, पूर्ण नहीं हुआ, पूर्ण कब होगा, केवल ज्ञान होगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या कहते हैं, ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, ई परमावृत जन्म जरा प्रतिरोग निवारण। ये जो लाइन है ना, ये लाइन अपने को बिल्कुल अपने हृदय पे लिख लेनी चाहिए। क्या? क्योंकि ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण ये लाइन है, ये दो पंक्तियां हैं ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये एक्चुअल में प्राकृत की गाथा का अनुवाद है, ऐसा कैसा क्या है ये? क्योंकि कई लोग कहते हैं जानने से क्या होगा, जानने से क्या होगा, मैं कहता हूँ एक काम करा दो, अखबार पढ़ने से क्या होगा, दुकान में बैठो, अखबार पढ़ने से क्या होगा, भाव जानने से क्या होगा, नेतागिरी जानने से क्या होगा, काम तो धंधे ही करना है ना, करो ना। नहीं नहीं, इनको जानने से नॉलेज बढ़ती है, उससे अपने को निर्णय लेने में होती है, लौकिक में तो इसे चतुर हो, धर्म के क्षेत्र में जानने से क्या होगा, जानने से क्या होगा, क्या करें, दौड़े भागे, लेकिन कहाँ दौड़ना है कहाँ भागना ये नहीं पता है, कहाँ दौड़ना है भागना करना क्या है। क्या बिन जो बिन ज्ञान कहे में सुखिया, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, क्या कहा, जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, जो बिन मोख कहे में सुखिया, सो अजान मूड़न में मुखिया। क्या जो बिन ज्ञान क्रिया अवगा है, क्रियाओं में अवगान करें, ज्ञान कुछ नहीं है। और जो बिन मोक्ष कहे में सुखिया, सो अजान वो अज्ञानी, मूढ़ में मुखिया, मूर्खों का सरदार है वो।
नहीं लोग वैसी बातें करते, जानने से क्या हो, जानने से क्या हो जाएगा। मैंने कहा भगवान करते ही क्या है जानने के अलावा, कुछ नहीं करते, उनसे पूछो ना, हे भगवान ये बैठे हो इससे क्या होता है, कुछ करो दुनिया का भला बुरा, ये भक्तों का थोड़ा भला करो और ये जो लोग परेशान करें इनका थोड़ा संहार करो, इसे बैठे बैठे ये क्या है, प्रमादी हो तुम तो, आलसी हो है? अरे इस सम्यक ज्ञान से बढ़कर कुछ नहीं करना ही क्या, और करना क्या है, वस्तु स्वरूप समझना है और उसके अनुसार अपनी श्रद्धा को मान्यता को ठीक करना है, और क्या करना है धर्म के नाम पे। इतना बड़ा कोर्स एक काम कर, पहले तो तू यहाँ कैसे बैठे हो, कपड़े बदल के आओगे, ऐसे ऐसे कैसे कपड़े पहन के आ गए, नहा धो के आओ, बिना नहाए धोए कोई नहीं आएगा, उसे पहला पाँव धो, हाथ पाँव जिनवाणी ऊपर रखो और फिर पूरा उसका एक 10-15 मिनट तक पाठ, और फिर पाठ पढ़ने के बाद में फिर अपन एक पाठ यहाँ उसका अर्थ पढ़ दे और जावाने के ज्ञान पे हो तो काम खत्म। क्या पुरानी जो जमाने में स्वाध्याय आते थे ना, अभी तो खैर बहुत कुछ स्थिति सुधर गई, तो एक व्यक्ति बादशाह था बुजुर्ग और चार जने उसे घेर के बैठते थे, और उसमें से भी चार में एक दो तो सो रहे आराम से, वो बेचारा पढ़ता है था हमने, और बाकी दो चार जने सुनते थे। क्या, क्योंकि वो भी एक क्रिया कही है, चूंकि शास्त्र में कही है, जिनवाणी में कहा है स्वाध्याय भी करनी चाहिए, तो ठीक है बैठ जाएगा क्योंकि इसमें क्या है, सबसे बड़ा दिक्कत क्या है, जिस व्यक्ति ने इसमें हे बुद्धि मान रखी है कि भाई ज्ञान से कुछ नहीं होता है, उसको कभी ज्ञान प्रकट नहीं होगा, क्योंकि उसकी हे बुद्धि है ना, उसमें हे बुद्धि मतलब वो उसको उपाधि नहीं मानता, वो ये उसको लगता ही नहीं कि करने लायक है, जिसको ये लगता ही नहीं कि करने लायक है उसको क्यों वो चीज़ आएगी। यदि किसी बच्चे को ये लग जाए कि पढ़ाई में कोई दम नहीं है, वो बच्चा कभी जिंदगी में पढ़ नहीं सकता। ऐसे जिस व्यक्ति को धर्म के नाम पे भी लगता हो कि धर्म में पढ़ने से क्या मतलब है, जो करना है तो क्रिया ही करो, सीधे सीधे उपास ही करना है तो उपास ही करो, जो करने को कहा वही करो, वो क्यों करना है ये नहीं मालूम है उसको, तो वो कभी ना तो स्वाध्याय करेगा, ना कभी पढ़ेगा, ना कभी उसको किसी चीज़ की खबर लगेगी कि ये क्यों करना है, वो कुल की अपेक्षा से कुछ दो चार क्रियाएँ कराएगा, कषाय तो खत्म ही नहीं है, तो उन्हीं क्रियाओं से अपनी कषायों का पोषण करें, मैं बड़ा और तुम छोटे, मैं छोड़ा तुम बाजार सकना, जो लोग क्रियाएं नहीं करेंगे उनको वही समझेगा, उन्हें तो धर्म के नाम पे क्या करेगा, भीड़ इकट्ठी करेगा जो भी मतलब। इसलिए ये कहा है कि भैया ज्ञान तो महा अमृत है, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, ये किसने लिखी है, दौलत राम जी ने लिखी है पंक्ति, समझ में ना, ये किताब ये छड़ाला ये मेरे जन्म लेने के 250 साल पहले लिखा गई है, ऐसे कितनी बार लोगों को लगता है इनकी खुद की, ये मेरी खुद की नहीं, मेरे 250 साल पहले लिख गए, मेरे दादाजी के दादाजी के दादाजी के दादाजी के समय पर लिखा गई है, उन्होंने लिखी है बात कि ज्ञान के समान जगत में और कोई सुख का कारण नहीं। सोचो तुम्हें सुखी होना है तो क्या करना है, बिना ज्ञान की जो भी क्रियाएं होगी वो सब भले देह को कितने जला ले कर ले सब कर ले, लेकिन वो सब बाल तप और बाल क्रियाएं हैं जिसके फल में देव गति है, मोक्ष मार्ग नहीं है, बाल तप है करो, अन्य बताओ भी करते खूब, इसलिए कहा उन्होंने भाई ये करो तुम, भगवान जिन्होंने नए सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का उपदेश दिया वो काम करो, क्योंकि इसके समान और कोई सुख का कारण नहीं है। ज्ञान समान न आन, आन मतलब आन का क्या मतलब है, अन्य ज्ञान के समान दूसरा कोई जगत में सुख का कारण नहीं है, माने ज्ञान ही सबसे उत्कृष्ट सुख का कारण है, ज्ञान के समान जगत में और कोई दूसरा सुख का कारण नहीं। अपन यूँ भी देखो अपने को कितनी आकुलता होती हो, धर्म तो ऐसी अद्भुत औषधि है कि कितनी बड़ी से बड़ी आकुलता वो खत्म हो जाती है, वो कैसे होती है, ज्ञान से होती है, अपने को शांति मिली कैसे, ज्ञान से, वस्तु स्वरूप समझने से, अब
अपने को बहुत आकुलता थी पहले संसार की, आकुलता घटी, कैसे घटी, ज्ञान से। अपने को कोई चीज का ज्ञान हुआ तो अपने को सुख मिला, शांति मिली, तो अपन धर्म में लगे। यदि धर्म में अपने को सुख शांति नहीं मिली होती तो हम धर्म में लगते ही क्यों? और वो सुख शांति किसी बात से मिली, कोई बात अपन ने सुनी, कोई प्रवचन में कोई बात समझी, उससे अपने को सुख मिला, अपनी आकुलता खत्म हुई, अपने को समझ में आया कि धर्म तो चिंताओं को घटाने के लिए किया जाता है, मतलब धर्म तो सुख प्राप्त करने के लिए। अब तक अपन क्या समझते थे कि धर्म से दुख मिलता है, धर्म करो तो और बहुत, धर्म के नाम पे कितना सिलेबस है, ये भी करना और वो भी करना, वो भी करना। और जब धर्म वस्तु स्वरूप बताता है और उससे अपने चित्त को शांति मिलती है तो एक नई दिशा मिलती है अपने को सोचने की कि भाई धर्म भी सुख का कारण हो सकता है। और वो कब होता है? जब अपने को कोई बात जमती है अपने चित्त में, कोई बात अपने को समझ में आती है, तो वो ज्ञान ही तो अपने को शांति देता है। अपने घर में कोई मर गया, कौन सुख शांति देगा? ज्ञान। अपना धन का नुकसान हो गया, कौन सुख शांति देगा? ज्ञान। अपने कोई बहुत तकलीफ है, कौन सुख शांति देगा? ज्ञान। घर में बहुत लड़ाई झगड़ा हो गया, सुख शांति के कारण ज्ञान। हर परिस्थिति में इस जीव को सुख का कारण ज्ञान के अलावा कोई नहीं हो सकता। सम्यक ज्ञान ही एकमात्र सुख का कारण है और मिथ्या ज्ञान ही सारे दुखों का कारण है। और फिर भी आश्चर्य है कि जीव सम्यक ज्ञान की प्राप्ति के लिए नहीं लगता हो कि मेरे को तो कुछ करने का बताओ, करने का बताओ। क्या बताए करने का तुमको? तुम कह रहे हैं सच्चा ज्ञान प्राप्त करो, उससे तुम्हें सुख शांति मिलेगी, क्योंकि उसके समान जगत में और कोई सुख का कारण नहीं है। दुनिया में बहुत सारे लोग जो है अमृत 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 मिल जाएगा ना, और अमृत पी लोगे तो दुखी हो जाओगे। क्यों? क्योंकि अमृत पीने से क्या होता है? मरते नहीं है, तुम मरोगे नहीं ना, तुम्हारे सामने लोग कहेंगे बच्चे बच्चे ये क्या है, ये खुद नहीं जा रहा, यहीं पे ही बैठा हम जा रहे हैं। इसलिए ऐसे अमृत से कोई सुख शांति नहीं मिलने वाली। अमृत तो ये है, सम्यक ज्ञान है वो अमृत है, क्या बाकी लौकिक कोई अमृत है ही नहीं वास्तव में। दुनिया में अमृत केवल शब्द कहने के लिए है, अमृत नाम की कोई चीज दुनिया में है नहीं। अमृत उसको कहते हैं जिससे कभी जीव का मरण ना हो, उसको कहते हैं ना अमृत। तो सम्यक ज्ञान है ऐसा अमृत जिससे जीव अपने आप को अजर अमर अनुभव करता है। देह जाती तो कहता है तो देह पलट रही है, कपड़ा पलट रहा है, मेरा तो ही नहीं मरण हो रहा है। तो इसलिए उसकी मान्यता में वो अपने को मरता हुआ अनुभव नहीं करता, इसलिए उसको क्या कहा है? अमर। इसलिए उसको अमृत कहा। वास्तव में तो कोई अमृत दुनिया में है ही नहीं, लेकिन अमृत की जो तुलना दी है ज्ञान को, अपना अमृत की उपमा जो ज्ञान को दी है, उसका कारण ये है कि ज्ञान से जीव अपने को अमर अनुभव करता है। एक भजन भी है, अब तो अमर भये न मरेंगे, सुना आपने? अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण नित्यत्व दियो तज क्यों कर देह धरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे, अब हम अमर भये न मरेंगे, तन कारण मिथ्यात्व दियो तज क्यों कर देह धरेंगे। देह का कारण था मिथ्यात्व, उसको त्याग दिया, अब देह क्यों धारण करेंगे? अब देह ही धारण होगी तो मरेगी क्यों? मरण तो देह के निमित्त से होता था, जब देह ही नहीं होगी तो मरण किसका है? अब तक हम मानते थे कि देह हमारी है और हम मर रहे हैं, हमारा जन्म हुआ है, आज हमने देह में अपनापन छोड़ दिया, मिथ्यात्व छोड़ दिया, अब हम नवीन देह क्यों धारण करें? बहुत बढ़िया भजन है ये दौलत राम जी का, भागचंद जी का, जितने अपने पूजा है ना, इन पूजाओं के कवि जो रचयिता थे उन्होंने अनेक भजन लिखे बहुत अच्छे अच्छे अब हम अमर भय न मरेंगे, तन कारण में क्या होता है क्यों कर दे है। नासी जासी, ये तो जो जिसका नाश होगा वो ये दे, क्या वो भजन है यहाँ पे किसी के पास में लिखा होगा कहीं पे, मुझे उनकी किताब में होगा वो अच्छा लेके आऊंगा, नहीं तो कहा बहुत अच्छा भजन है। तो ये अमृत है,
और कोई अमृत नहीं है। क्या अमृत है? सम्यक ज्ञान ही अमृत है। ई परमामृत, यही परम अमृत है। अमृत ही नहीं है, परम अमृत है। अमृत का क्या काम है? भाई जन्म जरा मरण मृत्यु का निवारण करता है, बुढ़ापे का निवारण, मरण मृत्यु का भी करता है और उसे बुढ़ापा भी नहीं आता अमृत से। क्योंकि तो बुढ़ापा भी आ जाए, मरे नहीं आते तो और तकलीफ का काम हो जाए। बुढ़ापा आता जाए मरे ही तो खुद के लिए दिक्कत हो जाए। इसलिए अमृत बुढ़ापे का भी निवारण करता है ऐसा लोग को माना जाता है। कोई अमृत होता होता है इतनी, वो एक अलग बात है जो बुढ़ापे का निवारण करे। लेकिन अमृत का काम लोक में ऐसा माना गया है उपमा अलंकार से कि वो मृत्यु और बुढ़ापे को रोकता है। तो कहते हैं सम्यक ज्ञान ही ऐसा अमृत है जो जन्म को भी जरा को भी और मृत्यु को भी, ये जन्म जरा मृत्यु रूपी जो रोग है इस रोग का वो निवारण करता है, इस रोग को मिटाता है। ये परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण, यह परम अमृत है जो कि जन्म बुढ़ापा और मृत्यु रूपी रोग का निवारण करता है। अमृत का काम क्या है? रोग को दूर करना। रोग क्या है अपने को? जन्म जरा मृत्यु रोग, कोई रोग ही नहीं और क्या का रोग है? सबसे बड़ी मृत्यु सामने खड़ी है, रोग है। बुढ़ापा लगा है सामने, वो रोग है। ये कोई रोग है क्या? सनत कुमार चक्रवर्ती कहानी कही था, सनत कुमार गुजरात के 700 वर्ष तक कोढ़ रहा शरीर, 700 वर्ष पहले। बहुत सर्वांग सुंदर थे, उनको देखने के लिए देव तक आए थे। तो देव ने उनके शरीर को देखा और वो बोले वास्तव में बहुत सुंदर है, जैसी तारीफ सुनी थी वैसे ही है। बोले सर, और देवों ने फिर अपना रूप प्रकट करके कहा उनसे कि महाराज आपकी इंद्र सभा में तारीफ चल रही थी शरीर की, लेकिन आप तो वास्तव में ऐसे ही हैं। हमने सोचा है मनुष्यों की शरीर की शोभा इतनी अच्छी कैसे हो सकती है, हम देखने आए, लेकिन आप तो वास्तव में बहुत टिप टॉप दिख रहे हैं। तो उनको थोड़ा आया गर्व। उन्होंने कहा अभी तुम यहाँ कहाँ देख रहे हो हमको, यहाँ तो हम अखाड़े के अंदर धूल में लिपटे हुए हैं, तुमको देखना है तो जब हम राजसभा में दरबार में जो है सिंहासन पर बैठेंगे अच्छे श्रृंगार वृंगार करके तब देखने आना। ठीक है सब, जैसे आपके आगे आता वाले वो आए तब आए। राजा बिल्कुल बैठा हुआ था तो उन्होंने राजा को देख के एकदम माथा पकड़ लिया। उन्होंने कहा कि जो शोभा थोड़ी देर पहले थी वो शोभा अब नहीं रही, वो शोभा खत्म हो गई, क्षण भर में बदल गया। बोले इतना शरीर मनुष्यों का, बोले धिक्कार ऐसे मनुष्यों के शरीर को। तो सनत कुमार चक्रवर्ती को उसे झटका लगाया, बोले क्षण भर पहले ये था क्षण भर में ये हो गया। उस प्रसंग से उन्होंने मुनि दीक्षा धारण कर, उसके बाद में उनके कोढ़ उत्पन्न हुआ, वो कोढ़ उनके 700 वर्ष तक रहा। जो 700 वर्ष तक कोढ़ रहा तो भी उनकी वही देव सभा में उनकी प्रशंसा हुई कि उनकी तपस्या अद्भुत है, इतने वर्षों तक कोढ़ है लेकिन उसका कोई इलाज भी नहीं, कुछ नहीं, कोई उनको कोई उसका दुख नहीं, प्रतिकार नहीं, उनका ज्ञान ध्यान अद्भुत है, तप अद्भुत है। तो फिर देवता लोग परीक्षा कर रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है। तो वेद का रूप धारण किया, महाराज जी के पास गए और फिर उनसे कहा कि हे प्रभु हमारे पास हम लोग वेद है क्या, और सब बीमारियों का इलाज जानते हैं, तो आपके कोढ़ की भी दवाई हमको पता, आप चाहो तो हम आपके इस रोग को दूर कर देते हैं। तो उन्होंने कहा वाह आप तो बढ़िया हो, अच्छे लोग मिले मेरे को, मैं तो चाहता ही हूँ मेरा रोग दूर हो जाए। बहुत दिनों से मैं इसी खोज में था कि कोई ऐसा रोगी वेद मिले कि मेरे रोग को दूर कर दे। फिर आपको एक चीज़ कि मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपको मेरा रोग अच्छे से बताएगी कि दिख तो रहा है ये कोढ़ है, नहीं नहीं ये रोग नहीं, मेरा रोग तो कोई और है। कौन सा रोग है आपको? जन्म जरा मृत्यु का रोग है, इसकी दवाई हो तो दे दो। तो नतमस्तक हो गए उनके चरणों में, उनके प्रभु उसकी दवाई तो केवल आपके पास है, हमारे पास ये है असली रोग। दुनिया में सबसे बड़ा समस्या तो इसकी है, अपने को छोटी छोटी समस्याओं में अपन इतने उलझे होते हैं फिर अपन अपने जीवन की जो असली समस्याओं को देख नहीं पाते, जीवन चले जाता है ऐसे।
सामने मृत्यु खड़ी होती है उसको भूल गए और छोटी छोटी चीजें मजा मान रहे। अरे मृत्यु सामने खड़ी है, बुढ़ापा सामने खड़ा है, रोग खड़ा है, कितने सारे प्रतिकूलताओं कोई भी अवसर है, असाता का कौन सा उदय कट पहुंच जाए। संसार में चैन से बैठने जैसी चीज है ही क्या? उसमें लिखा है समाज तंत्र में कि एक तकलीफ टलती है तो दूसरी तकलीफ खड़ी हो जाती, दूसरी को ठिकाने जाकर लगाने लाते हैं, दोनों ही आ जाती। क्या जैसे एक मेंढक तराजू पे रखा, चार नीचे गिर गए, हम चार को फिर रखने गए तो आठ नीचे गिर गए। ऐसा हम रोज देखते हैं, सब अपन एक चीज सुधारने जाते हैं तो चार बिगड़ जाती, कुछ और नई समस्या खड़ी है। संसार उसी के नाम घटी का यंत्र है, ये किसी को भी चैन नहीं है। तो ये क्या है, ये तो इसी है, तो चलता रहेगा इसी। किसी का भी ऐसा नहीं कि साहब बढ़िया चलो, अब कोई टेंशन नहीं है, कुछ नहीं, ऐसा एक भी व्यक्ति नहीं है संसार, कुछ ना कुछ विकल्प चला ही करते। पुण्य उदय जिनके तिनके भी ना ही सदा सुख साता, यह जगवास यथारथ दिखे सब ये दुख दंत। तो इसलिए तुम ये सब चीजों को छोड़ो, ये तो यह उद्गल अभी इसमें आएगा कि ये मनुष्य बढ़िया है तो वो थोड़े काल के लिए मिली है, जो असली समस्या है उसका उपाय करो, तो ये फिर हमेशा के लिए समस्या का अभाव। टेम्प्ररी इलाज मत करो, परमानेंट सा आप सोचो। सर अपन जो भी उपाय कर रहे हैं सब क्या कर रहे हैं, टेम्प्ररी कर रहे हैं। क्या हो जाएगा इससे, टेम्प्ररी थोड़े दिन के लिए शांति हो जाएगी, फिर नई समस्या खड़ी हो जाएगी। इसलिए जस की तस बनी रहेगी समस्या, तो इसलिए पूरा उसको मूल से दूर करना है। मूल से दूर करने का उपाय तो यही है कि समस्या को असली में समझे कि असली समस्या क्या है। और आचार्य देव कहते असली समस्या तो मिथ्या दर्शन, मिथ्या ज्ञान और मिथ्या चाहते, उसको दूर करो। वो नहीं दूर करोगे तो अगले भव में फिर एक नई साइकिल चल, यहाँ से गए वहाँ तो साइकिल चल, फिर वहाँ मरे फिर नई की साइकिल चल। अरे उसमें तो इतना लिखा है उसमें भगवती आराधना में कि मनुष्य यदि इसने जो जो भी काम किया जिंदगी भर में, मतलब गर्भावस्था से लेके और जो है युवावस्था तक, तो जितने तकलीफ इसने भोगे होगी ये उन सब तकलीफों का ही विचार कर ले तो इसको वैराग्य आएगा नहीं रहेगा। गर्भ के दुख, जन्मावस्था जन्म के दुख, अरे पढ़ाई लिखाई का कितना दुख। यदि मेरे को कहे वापस से तुमको फिर इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ना है तो मैं तो केवल इससे अच्छा मैं घड़ी छोड़ के चले जाऊँगी। क्या एक एक सेमेस्टर के एक एक पेपर निकालना, उसको तैयार रखना और दिमाग में रखना और वो करना और फिर उसके बाद में ये तो कम हेडेक नहीं है उसमें सब। यदि एक बार और पढ़ाई करने कहे ना, ऐसा मतलब एक जन्म भी और लेना पड़े अपने को वापस से, फिर ये सब काम करने पड़ेंगे और फिर वही कोई नौकरी ढूंढो और फिर वही नौकरी करो और फिर ये सब काम करो और दिमाग खराब करो, तो आप समझ जाओ कि क्या मतलब कितनी वो है। जबकि अभी तो बहुत अनुकूलताओं में कह रहे हैं अपन, क्या ये सब जो अपन भोगते हैं इतना कठिन, इतनी आकुलता भोगते हैं, आश्चर्य होता है कि जैसे ही थोड़ी आकुलता कम होती है तो फिर अपन सोचते हैं अब विषय भोग भोगने का टाइम आया, अब मेरी नौकरी लग गई है, अब पैसा आ गया है तो इसको भोगा जाए। अरे भैया ये सोचो कि पुनः ये काम भी करना पड़ेगा, उसका इलाज निकालो कि चलो अब अपन पैसे भी भोगे, अब क्या भोगना उसको। तब तो ज्ञान के समान कोई आनंद की वस्तु नहीं है, ज्ञान के समान कोई आनंद नहीं और इसके समान कोई अमृत नहीं, और ये है तो कोई रोग नहीं है। वो कह रहे जन्म जरा मृत्यु को दूर करने की अपने पास औषधि आ गई, और ये नहीं है तो तुम कुछ भी कर लो, निरंतर दुख और आकुलता के अलावा कुछ नहीं मिलने वाला। इसलिए पंक्ति बहुत मार्मिक पंक्ति लगती मेरे को, तो इसको एकदम सोने के ऊपर और रत्नों के अक्षरों से इसको जड़ाना चाहिए। ज्ञान समान आन जगत में सुख को कारण, ई परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। ज्ञान के समान जगत में और कोई सुख का कारण नहीं है, यही वास्तव में परम अमृत है और यही जन्म जरा मृत्यु रूपी रोग को दूर करने वाला, इसके अलावा और कोई कारण और कोई उपाय नहीं। संसार में आप कितने उपाय कर लो, सब काम कर लो, लेकिन यदि वस्तु स्वरूप का सच्चा बोध नहीं है तो सुख शांति नहीं मिलेगी, आनंद नहीं मिलेगा।
जन्म जन्म मृत्यु का भाव। अब देखो आगे चलते हैं, अर्थ पढ़ लेना आप लोग घर पे। अरे दोहा बहुत अहम की आया है, देखो कोटि जन्म तप तपे ज्ञान बिन कर्म जरे जे ज्ञानी के चिन्ह मान त्रिगुप्त ते सहज तरे ते मुनि रत धार ये जो है ना, ये जो गाथा है, ये जो दो छंद है, ये छंद प्रवचन सार की इस गाथा का, प्रवचन सार की गाथा का डिक्टो हिंदी अनुवाद है। देखो गाथा बोलता हूँ, जम अन्नानी कम्मम खवेदि भव सह सहस्र कोडीम तम नानीम तीम गुप्तो खवेदि कुसास मातेन। जम अन्नानी कम्मम खवेदी भव सय सहस कोड़ी हिम, जम अन्नानी कम्मम खवेदी, आया समझ नहीं आया, जम अन्नानी कम्मम खवेदी, आया समझ नहीं आया। अरे यदि प्राकृत, हाँ बोलो क्या, जम जो अन्नानी अज्ञानी कम्मम कर्म खवेदी क्षय करता है, भव भव माने सम भव, सय सहस सय माने सो, सहस माने हजार, सो हजार कितने हो जाते हैं, एक लाख, भव सय सहस कोड़ी हिम लाख करोड़ भवों के द्वारा जो अज्ञानी कर्म क्षय करता है, तम नानिम उसको ज्ञानी तीन गुप्तो तीन गुप्तियों के द्वारा खवेदी उस्वास मात्र में तेण, उस्वास मात्र में मैंने एक उस्वास मात्र मैंने क्षण भर में उसको ज्ञानी तीन गुप्ति के द्वारा क्षय कर। प्रवचन सार की कुंद कुंदाचार्य देव की गाथा है कि कई लोग कहते हैं दौलत राम जी का, मैंने कहा दौलत राम जी कुछ भी नहीं है, दौलत राम जी ने तुमको प्राकृत नहीं आती थी इसलिए उन्होंने हिंदी में उसका अनुवाद कर दिया तुम्हारे कल्याण के लिए। और कितनी महत्वपूर्ण गाथा है, मैंने उसका अर्थ सीधा सीधा ये कि अज्ञानी लाख करोड़ भवों के द्वारा जितने कर्मों का क्षय कर पाता है उतना ज्ञानी तीन गुप्ति के द्वारा उस्वास मात्र में क्षण भर में क्षय कर। ये किसकी महिमा बता दी, ज्ञान सम्यक ज्ञान, मैंने अज्ञान और ज्ञानी दोनों की तुलना करी, एक अज्ञानी करोड़ भाव लाख भाव इसके अंदर जितना जितना कर रहा है काम मेहनत कर रहा है खूब, ज्ञान कुछ नहीं, कर्म कृत्य मतलब ये है कि जैसे जितना आकर्षण हुआ थोड़ा बहुत, थोड़ा पाप का आकर्षण तो हुई ना, पाप का आकर्षण हुआ है? थोड़ा पाप का संक्रमण भी हो गया तो उसी को यहाँ पे खिड़ना कहा है, वास्तव में तो उसको कुछ खिड़ते ही नहीं है लेकिन फिर भी लोगों के हिसाब से खिड़ रहे तो खिड़ रहे, तो उन्होंने भी उसी तरह से बात की। और दूसरी बात, कमी तो होती है ना, वो अज्ञानी भी जो तप करेगा तो उससे आकर्षण माने उनमें कमी तो आएगी, खत्म नहीं होंगे कमी आएगी, और उसी से तुलना कर सकते ना, क्योंकि अज्ञानी को तो लोगों को ऐसा लगता है और इतना 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 अभी पंचाग्नि तप तो पालो समझ लो, एक लकड़ियाँ जला रही है तो भीड़ लग जाएगी यहाँ पे, अभी ठंड में नहीं लगेगी, खेल लोग कहेंगे तो गर्मी चला है गर्मी के दिनों में भीड़ लग जाएगी आराम। और ये कोई तत्वज्ञान की बात बताओ अपन तो कुछ नहीं, उसमें क्या कर रहे हैं, कुछ खास बात नहीं कर रहे हैं, मतलब वो कोई जीव जिनवाणी में अपना उपयोग लगाए तो वो कोई को लगता ही नहीं कि कुछ काम हो रहा है, और कोई आदमी अपने शरीर को जलाए सुखाए तो लोगों को लगता है कि हाँ बहुत बड़ा तप हो रहा है,
जबकि एक में इंद्रियों का दमन है और पहले वाले में मन का दमन है। मन दमाओ, बिना मन का दमन हुए इसमें मन नहीं लगेगा, लग सकता है ऐसा मन, मन मन तन मन, मतलब इसमें मन तभी लगता है आदमी का जब उसका मन का दमन हुआ हो। तो इसमें तो तत्व ज्ञान में तो मन का दमन है और बाकी जितनी भी देह को जलाना उसमें इंद्रियों का दमन है, और इंद्रियों के दमन से मन का दमन बड़ा है। और दमन क्या है, ये मन का कोई दमन तो ही नहीं हो रहा है, दमन करा रहे क्या, क्यों सबके मन पे पत्थर पड़ रहा है अभी। दमन क्या है, मन का उपयोग करने की बात है, लेकिन अज्ञानी को वो उपयोग लगाना कठिन लगता है, उसको लगता है ये सब चीज सब। इधर संसार में तपस्वी तो बहुत है, भयंकर जैनियों में ही नहीं है, जैनी में ही बहुत है, भरे पड़े हर घर 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 के अंदर। वो लोग भी उपास करते हैं, तप करते हैं, पंचाग्नि का तपते हैं, जमीनों में घुस जाते हैं, एक पांव पे खड़े रहते हैं, औंधे मुंह लटके रहते हैं, क्या कई दिनों तक योग कर लेते हैं, अनशन कर लेते हैं, बहुत सारी चीजें कर लेते, साध लेते हो, नहीं होता वो उससे पूछो बाबा रामदेव से। लेकिन उन सबको अपन क्या कहते हैं, सब मिथ्याचारित। अपन पीछे बता ना, ख्याति लाभ पूजा चाह कर करे, क्योंकि उसमें कुछ भी कुतप है, बाल तप है, ज्ञान है, तो वो उससे कुछ नहीं होने वाला। वो कितने करे, करोड़ों वर्षों तक भी वो काम करते रहे तो कह रहे हैं कि अज्ञानी करोड़ों वर्षों में भी जो कर्म नहीं खपा पाएगा उसको ज्ञानी तीन गुप्तियों के द्वारा क्षण मात्र में क्षय कर देगा। इतना बल है ज्ञान का, तीन गुप्तियों का तो देर तो नहीं लगती उनके लिए। खेल ही खेल खेल है उनके लिए, मोक्ष मार्ग ज्ञानियों के लिए खेल खेल है, और अज्ञानी के लिए बड़ा कठिन लगता है। प्रवचन सार में दूसरा कलश है, उसके अंदर है बात कि मोक्ष मार्ग खेल खेल में, हेली हेली खेल खेल के अंदर में मोक्ष मार्ग को प्राप्त कर लेते। क्योंकि क्या है, जिसकी रुचि जिसमें होती है तो रुचि के अनुसार अपने आप काम होता है, रुचि नहीं होती तो वीर नहीं बनता। तो इसलिए ये बात ज्ञान की महिमा बतलाने के लिए कही कि देखो सब में ज्ञान की महिमा, कि जिसके द्वारा ज्ञानी तो अंतर्मुहूर्त में कर्मों का क्षय कर लेता है, और अज्ञानी इतनी मेहनत करने के बाद भी कर्म क्षय नहीं करता होता, तो उतनी मेहनत तो कर ही रहा है। तो उसे कहेंगे ना भाई, अब तू इतनी मेहनत करता है तो थोड़ी मेहनत सही तरीके से कर ले, थोड़ा सब में ज्ञान भी कर ले, थोड़ा तत्व ज्ञान कर ले, तो वो सब मेहनत क्या हो जाएगी, उसमें रंग लग जाएगा, और नहीं तो क्या होगा, कुछ नहीं होगा। और फिर आगे उन्होंने अपनी बात कही, क्या कहा, देखो मुनिव्रत धार अनंत बाल ग्रेवे उपजायो। ये अपने लिए ये पंक्ति जो है ना बहुत पढ़ने बहुत डेंजरस है। मुनिव्रत धार अनंत बाल, हमने अनंत बाल मुनिव्रत धारण किया और झूठा नहीं सच्चा, क्योंकि उसके बिना ग्रेवेट नहीं मिलता। यदि छल से करे, मतलब कपट से धर्म साधन करे, ख्याति पूजा के लिए करे, तो उसके फल में देवगति नहीं मिलती। क्या, तो हमने बिना कोई ख्याति लाभ के, बिना कोई मानादिक अभिप्राय के, बिना कोई छल कपट के, ईमानदारी से धर्म बुद्धि से हमने मुनिव्रत धारण किया, और कितनी बार, अनंत बार। क्योंकि ग्रेवेक कोई जा सकता है, 16 स्वर्ग के ऊपर होते हैं 9 ग्रेवेक, और ग्रेवेक जाने के लिए इतनी विशुद्धि चाहिए कि उसके अंदर में जरा भी ख्याति पूजा लाभ का परिणाम न हो, जरा भी अपने को पूजवाने का, अपनी ख्याति का इतना सा भी कोई प्रपंच न हो। मैंने वन जंगल में निवास करने वाला, राज्यपाट आदि को छोड़ने वाला, शरीर की चमड़ी छिला जाए, चमड़ी खींच ले, उसमें नमक भर दे, आंख लाल नहीं हो, इतना सही, इतना बाहर में इतना उत्कृष्ट क्षमावंत, लोग आक्रोश के वचन बोले, क्रोध नहीं करे, शरीर घानी में पेल दे और उफ तक नहीं करे, ऐसी उग्र तपस्या की और उसी के फल में कहा गया ग्रेवेट तक उत्पन्न हो गया,
परंतु आगे कहते देखो ये तो बहुत अब इतना होने पर भी क्या नहीं हुआ, ते निज आत्म ज्ञान बिना सुख ले शुकर, परंतु मैंने अपने निजात्मा का ज्ञान नहीं किया इसलिए मैंने सुख लंच मात्र भी प्राप्त नहीं किया, मैंने मुझे सम्यक ज्ञान की प्राप्ति नहीं हुई, सुखी नहीं हुआ तो संसार का अभाव नहीं हो सकता। तो कितना क्रिटिकल केस है, मैंने कोई आदमी पूरी मेहनत करे सब करे ईमानदारी से करे, ईमानदारी से करने वालों की तो बात ही खत्म, ईमानदारी से करे और अच्छा तत्व का अभ्यास करे, क्योंकि ये जो ग्रेवेक जाने वाले निराश है ये ज्ञान ध्यान तप में लवलीन रहने वाले, ऐसा नहीं कि वो ऐसी मतलब निरंतर सतत ज्ञान अभ्यास में सतत संलग्न तत्व अभ्यास में संलग्न ग्यारह अंग का पाठी और उत्कृष्ट चारित्रवंत और फिर भी कहते हैं कि देखो ये कैसी एक चीज़ रह गई कि जिससे वो संसार का संसार रह गई, क्या चीज़ की कमी रह गई, निज आत्म ज्ञान बिना, ए निज आत्म ज्ञान बिना सुख लेश न पाए, पर तो निजात्मा का ज्ञान नहीं हुआ सुख भी नहीं पाया, इतना सारे सुख मिला सुख लेश न पाए, इतना सारे सुख नहीं मिला, जबकि सम्यक ज्ञान तो अमृत था, सुख का कारण था, उसके समान कोई सुख का कारण नहीं, लेकिन चूंकि मुझे सम्यक ज्ञान नहीं हुआ मैंने कठोर से कठोर आचरण भी तपा, जिनवाणी भी खूब पढ़ी, लेकिन अपने आत्मा का बोध नहीं हुआ, मैं कौन हूँ इसका बोध नहीं हुआ, तो सुख की कड़ी का भी जागृत नहीं हुई, सुख की प्राप्ति नहीं हुई, सम्यक ज्ञान नहीं हुआ। इसलिए आगे कहेंगे वो कि लाख उपाय करके करोड़ों उपाय करके एक निज आत्मा को जानने का पुरुषार्थ करो, क्या सब काम छोड़ना पड़े तो भी करोड़ काम छोड़कर भी ये काम करो, क्या काम करो, निज आत्मा को जानने का काम करो, समय साल में कलश है आई कथम अपनी मृत्वा तत्व कोतु अली सन, हे जीव तुम मरकर भी यदि तुम्हें मरना भी पड़े तो मरने की कीमत चुकाकर भी तत्व के कोतूहली बनो, क्या बनो, तत्व के कोतूहल, कोतूहल मतलब होता है जैसे जिज्ञासा ये क्या है क्या है, ऐसे अपने अंदर में तत्व का कोतूहल तो उत्पन्न करो, ये क्या बात कहते हैं, ये तत्व क्या है, धर्म क्या है, क्या बात है इसमें, कोतूहल की कह रहे हो, ये तो कह ही नहीं रहे कि तत्व ज्ञान पूरा करो, कोतूहल भी हो जाएगा तो तत्व ज्ञान हो जाएगा, और इसके लिए मरना भी पड़े तो कथम अपि मृत्वा, किसी प्रकार मरकर भी, अब मरना किसी को मरना पड़ेगा नहीं, लेकिन उन्होंने मतलब उसको बताया कि वो कितना आवश्यक है, मरने की कीमत पे भी ये करना पड़ेगा, मतलब ये है कि इसके लिए मतलब ये काम इतना महत्वपूर्ण है कि इसको मौत की कीमत पे भी किया जाना चाहिए, मतलब उसकी महत्वपूर्णता बतानी होगी कि काम कितना जल्दी, अगर इसके इस काम के लिए तो बेटा कुछ भी हो भूखे ही मरना पड़े तो भी करना, ये काम इतना जरूरी है, तो मरने की कीमत पे भी करना, मतलब ये काम इतना आवश्यक है कि इससे बढ़ के कोई काम नहीं, भाई कथम अपनी मृत्वा, हे भव्य जीवो तुम मरकर भी तत्व कोतूहली सन, तत्व के कोतूहली बनो, बस कोतूहल जागृत करो अपने अंदर में, वस्तु का स्वरूप क्या है, तत्व क्या है, जिनवाणी क्या है, आगम क्या है, भगवान का क्या उद्देश्य, मोक्ष मार्ग क्या है, इससे क्या होगा, उन्होंने आगे कही थी अनुभव भव मूर्त्वा पार्श्ववर्ती मूर्तम, माने ये शरीर रूपी मूर्ति शरीर का तुम पड़ोसी होकर क्षण भर के लिए शरीर का पड़ोसी होकर आत्मा का अनुभव करो, शरीर को क्या मान लो पड़ोसी, ये पड़ोसी है और शरीर को एक क्षण भर के लिए पड़ोसी मान के तुम अपने निज आत्मा का अनुभव करो, उससे क्या होगा कि उससे अनादिकाल का जो मोह है वो मोह टूट जाएगा, जब अपने आत्मा का वैभव देखोगे तो इस शरीर के साथ में एकत्व के मोह को तू शीघ्र छोड़ दे, गारंटी करके देखेगा, तो एक बार इस देह को पड़ोसी अनुभव करके देख तो अपने आप देह के एकत्व का मोह तो यूं चले जाएगा, तो करके अब वो दो बातें देखो वो क्यों है, उन्होंने कोतूहली बनने की भी क्यों कही कि तुम कोतूहल भी उत्पन्न हो जाएगा ना तो बाकी जिम्मेदारी हमारी है,
तुम जानने की जिज्ञासा को उत्पन्न करो, बाकी तो हम तुमको सब जना देंगे। जैसे वो होता है दुकानदार, तुम आओ तो सही बेटा, क्या बाय वन गेट वन के नाम से ही आओ तो सही, फिर हम तुमको देखो क्या क्या दिखाते हैं। एक चीज हम फ्री में देंगे और 10 चीज निकालेंगे, क्या यहाँ तो क्या वो बात नहीं है। मैंने आपको पहले उदाहरण दिया कि इसके लिए बनिया होता है ना, गांव के अंदर बनिया होता है, बनिए को दुकान चलानी होती है, क्या करता हूँ चाय पिलाने की बुला। तो ऐसी स्थिति है ये, मतलब जिनवाणी के अंदर वस्तु स्वरूप इतना बढ़िया है कि आप यदि समझने की कोशिश करोगे तो वो पूरा समझ में आएगा। इतने अच्छे तर्क और युक्ति से समझाया है, और जिनवाणी का माल इतना अच्छा है और आचार्यों ने समझाया बहुत अच्छे से, इसलिए क्या रखते। दूसरी बात, उन्होंने मरने की कीमत मांगी अपने से, मरने की कीमत पे भी काम करना। और अपनी स्थिति की अपन मरने की कीमत तो बहुत दूर की बात है, अपन तो कोई कीमत नहीं चुकाना चाहते। समझ लो कि कोई ग्राहक आने वाला हो किसी का 9 बजे से 10 बजे, 8 बजे से 9 बजे तक, और अपने को 100-200 रुपये का भी फायदा लगता हो उससे, तो उस दिन साध्या गया। मतलब अपने को इसकी कीमत कितनी लगती है बताओ, इसकी कीमत कितनी है। इसकी कीमत ये है कि देखो, मैं तो एक बात कहता हूँ, हमारे वहाँ लाल मंदिर में रोज सुबह जो है रोज एक न एक दिक्कत आती है आजकल, तो मैं एक बात कही, मैंने कहा आज इतनी भीड़ दिख रही है इसका मतलब आज अभी पिछले 3 दिनों में कोई मरा नहीं है। 3 दिन पहले कोई नहीं मरा और आज कोई नहीं मरा, क्योंकि 3 दिन पहले मरा होता तो आज उठावन भी जाते, आज कोई नहीं मरा इसलिए भी कोई नहीं। और अभी कोई शादी नहीं चल रही है, ब्याह नहीं चल रहे हैं, कोई का जन्म नहीं है, कोई की कोई वो नहीं है, क्योंकि तुम सब कब आते मालूम, जब कोई काम नहीं होता घर में। अब क्या है, घर में कोई काम नहीं है, ना कोई उठावना है, ना कोई किसी के मरण है। और जबकि जिनवाणी किसको लगेगी मालूम, जो सब काम छोड़ के आए। और ये क्या है, इनको जब सब काम नहीं होते हैं, कोई काम नहीं होता तब आते हैं, और जबकि जिनवाणी कहती है सब काम हो तब आओ यहाँ पे, तो मालूम चले तुम्हारे क्या। मैंने तो एक दिन पूछा कि आज को मरा नहीं क्या, आज इतने लोग दिख रहे हैं, मरा नहीं है आज किसी पैसे में, कि रोज किसी से पूछे क्यों नहीं आए, अरे साहब कल क्या हो गया था, वो आज वो मर गया, आज वो उठाओ ना, वो उठाओ मैंने कहा एक दिन मेरा भी उठाओ ना। तुम लोग मैंने कहा भैया मरते तो सभी जगह है, तुम ही लोगों के घरों में क्यों मरते, मेरे यहाँ क्यों नहीं मरता, क्योंकि तुम सुबह सुबह रोज उठ के अखबार देखते हो, मैं कोई मर भी जाए तो मैं देखूंगा ही नहीं एक बार, मेरे को दोपहर तक खबर लगेगी चले जाएंगे उसके दोपहर क्या। तुम तो सुबह उठते ही देखते हो मरा कौन है, मरा कौन है क्या, कितनी खराब हालत है। तो इसलिए ऐसे लोगों को क्या लगेगी, वो तो एक मशीन लगा रखी है उन्होंने कि अपना मनोरंजन करने के लिए कुछ है नहीं काम घर में, तो अपन यहाँ आके बैठ गए, एक घंटे अपन बैठ गए, सुना दो जो भी तुमने सुना क्या असर पड़ना क्या। अपन ठीक है भाई, अपन अपना दोहरा लेते हैं अपना पाठ, कम से कम अपना समय सारा या प्रवचन सारा अपना रिविजन हो जाता है, अपना ग्रंथ का पाठ हो जाता है। बाकी मेरे कोई उम्मीद नहीं ऐसे लोगों से कि उनमें कोई जीवन में कोई परिवर्तन आए, क्योंकि जिनवाणी उनके लिए है जो लाख काम छोड़ के ही सुनने आए, उनके लिए यही नहीं जिनको घर से भगाया गया हो, यूं नहीं कह रहे होंगे सबको भगाया गया है, लेकिन मतलब ये जो थोड़ी फोकट जिनके समय नहीं है, ये कोई समय काटने की वस्तु नहीं है, इसकी महिमा आए अपने को कि भाई ये बहुत अमूल्य वस्तु है और ये जीवन की सबसे महत्वपूर्ण चीज़ है, और इसके बिना मैं पता नहीं मेरा क्या होगा क्या। तो वो कह रहे कि ये सब कर चुके हो तुम, जो चीज़ जीती ये सब ये उठावना उठावना तो छोड़ो, तुम मुनि बन चुके हो अनंत बार, ये किस किस के उठावने करोगे, तुम अपना सोचो अब तुम्हारा होने वाला है क्या, क्या कितना क्रिटिकल केस है ये कि मुनि व्रत हमने अनंत बार धारण किया, वो ग्रेवेक में उत्पन्न हुए परंतु आत्मज्ञान के बिना सुख की प्राप्ति नहीं हुई, संसार का भाव नहीं हुआ,
तो कम से कम इस भाव में तो वो काम करे जो काम अब तक नहीं किया। बाकी और आगे इसमें इसी बात की प्रेरणा है, और इसमें पूरी सम्यक ज्ञान को प्राप्त करने की प्रेरणा है। ये जो आगे ढाल है, आगे ढाल में कुछ नहीं, जैसे जैसे बने वैसे सम्यक ज्ञान को प्राप्त करो, इसी बात की प्रेरणा आगे। बाकी चर्चा अपन आगे करें।